हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम 2017 की मलयालम क्राइम ड्रामा फिल्म अंगामले डायरीज का हिंदी डब वर्जन का रिव्यू करने वाले हैं, जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम से रिलीज किया गया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया लिजो जोस पेलिसरी ने, मूवी को लिखा है चेम्बन विनोद जोस ने। मूवी के लीड रोल में है एंटोनी वर्गीस, अन्ना राजन, किच्चू टेलस, उल्लास जोस चेम्बन और विनीत विश्वासम। तो चलिए अब जानते हैं कि मूवी की स्टोरी लाइन क्या है। ये कहानी केरला के एक छोटे से शहर अंगामले में रहने वाले यूथ की रस्टिक स्टोरी है, जिसमें 6 यंगस्टर की एक गैंग है जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहती है। और वो सभी सुअर के मांस यानी कि पोर्क के बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाने के लिए सुअर के मांस यानी कि पोर्क का बिजनेस शुरू करते है। और जब वो बिजनेस शुरू करते है तब उनके सामने कई टाइप की मुसीबत आती है। तो वो सभी टाइप की चुनौतियों का सामना कैसे करते है, वही सब मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाता रहता है। तो चलिए अब इस मूवी का रिव्यू करते हैं। डायरेक्टर लिजो जोस पेलिसरी ने 86 नए प्रोमिसिंग एक्टर्स को इस पूरे लोकल क्राइम ड्रामा मूवी से मलयालम इंडस्ट्री में लॉन्च किया है। वैसे तो ये आइटम पूरा रिस्की था, पर हालांकि इस प्रोजेक्ट से डायरेक्टर लिजो ने सभी अननोन एक्टर्स को लेकर इतनी एंटरटेनर मूवी बना के एक मिरेकल या तो एक चमत्कार क्रिएट कर दिया है। और इस फिल्म में लीड एक्टर प्ले कर है एंटोनी वर्गीस, और उनके कैरेक्टर का नाम है विंसेंट पेपे, जो एक अच्छा लड़का है। वो हमेशा चर्च के काम में एक्टिव रहता है और वो अपनी माँ की बात हमेशा सुनता है। जैसे कि मूवी की कहानी में बताया गया है कि विंसेंट पेपे के पिता कर्नाटक में है और विंसेंट बचपन से ही उसके एरिया के लोकल गुंडा बाबूजी को अपना आइडल मानता है। और लोकल डॉन बाबूजी के नक्शे कदम पे वो भी अपनी एक गैंग बनाता है जो हमेशा कोई भी एडवेंचर और चैलेंज के लिए तैयार रहता है। और उनमें से एक पोर्क का बिजनेस यानी कि सुअर के मांस का बिजनेस चलाता है, और उस बिजनेस की वजह से उनकी डेली या रूटीन लाइफ में जो घटनाएं घटती है वो मूवी की मेन स्टोरी या मेन प्लॉट है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है और मूवी के विजुअल भी अच्छे हैं, और फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस भी नेचुरल है। फिल्म मेकर के द्वारा अंगामले डायरीज एक फ्रेश और टेरिफिक अटेम्प्ट है। फिल्म के राइटर ने अंगामले में रहने वाले लोगों की बोली, भोजन, संस्कृति और ट्रेडिशनल सॉन्ग को मूवी की स्टोरी में अच्छी तरह से बुनाया है। उन्होंने हर बारीकियों पे ध्यान दिया है, जिसकी वजह से मूवी आपको एंगेजिंग लगेगी। ये फिल्म सभी एक्टर्स की पहली मूवी है, जिसकी वजह से इस फिल्म में उन एक्टर्स के परफॉर्मेंस की वजह से एक फ्रेशनेस एड होगी। फिल्म में लीड कैरेक्टर विंसेंट पेपे से लेकर विलन अपानी रवि तक सभी कैरेक्टर में सभी एक्टर ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। पुलिस का रोल प्ले करने वाले एक्टर शकील हमीद, विक्लेम राजू, पोर्क वार्के, 10ml थॉमस, लीची और मारम कोती तक सभी एक्टर्स ने जितना भी रोल किया है उसमें उन्होंने एक नेचुरल और रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दी है। और मूवी की कास्टिंग भी परफेक्ट तरीके से की हुई है, जिसकी वजह से मूवी को एक अनदर लेवल या एक नए लेवल पे ले जाने में एक हेल्प मिलती है। और इस मूवी को और भी ब्यूटीफुल बनाता है वो है टाउन का रो और नेचुरल झलकिया, जो डायरेक्टर ने बहुत ही बखूबी तरीके से आपको दिखाई है, और वो सभी आपको अट्रैक्ट करेगी और ये मूवी आपको और भी बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करेगी। फिल्म के प्लॉट में बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से स्टोरी को बेहतरीन पेस या गति मिलती है, जिसकी वजह से मूवी आपको कभी भी बोरिंग महसूस नहीं करेगी। म्यूजिक कंपोजर प्रशांत पिल्ला ने बहुत ही सराहनीय काम किया है, क्योंकि उन्होंने अंगामले के फोक सॉन्ग को मूवी का एक पार्ट बनाया है, जिसकी वजह से आपको मूवी और बेहतरीन लगेगी। मूवी में सभी मूवमेंट या इंसिडेंट यूथ को कनेक्ट करेंगे। ये मूवी एल्डर्स व्यूअर को माँ का बना खाना और रोमांस के साथ उन अनफुलफिल्ड लव स्टोरी को भी उदासीन बनाएगा। अंगामले डायरीज आपको छोटे शहर में रहने वाले लोगों के जीवन के माध्यम से आपको 1.5 घंटे के टूर पे ले जाएगा, और यूथ को बताएगा कि लाइफ में एंजॉय करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि लाइफ के बारे में गंभीर होना। और साथ ही में बताएगा कि हर आदमी अपने जीवन में एक पॉइंट तक पहुंच जाता है जहां से उन्हें दोनों की यानी कि फन और सीरियस के बीच की एक डिफरेंस की लाइन खींचनी होगी। तो मैं इस क्राइम ड्रामा फिल्म अंगामले डायरीज के हिंदी डब वर्जन को 5 में से 4 की रेटिंग देता हूं। ये मूवी यूथ को जरूर कनेक्ट करेगी और आपको इस मूवी की नई स्टोरी जरूर पसंद आएगी। आप ये मूवी डेफिनेटली देख सकते हो। तो बस आज की रिव्यू में इतना ही था। तो आज का हमारा आपको रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और मूवी देखने के बाद हमें कमेंट करें कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो और भी ऐसे नई साउथ इंडियन मूवीज के रिव्यू के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज की न्यूज के लिए, सभी प्रकार के साउथ इंडियन मूवीज के टेलीविजन प्रीमियर, यूट्यूब प्रीमियर के रिगार्डिंग कन्फर्म और ऑफिशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।